नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस किताब से ली गई है दोस्तों, उसका नाम है फ़ोन कॉल्स फ्रॉम द डेड। ये क्रिस्टल नाम की एक लड़की की कहानी है। वो ये कहते हैं कि वो कभी एक दिन दोस्तों अपने मौसी के घर पे गई थी। वो ये कहते हैं कि वो साल में एक दो बार ऐसे अपने मौसी के घर पे कभी कभार जाती थी। उसके मौसी के घर के घर से थोड़ा सा दूर इसके एक दोस्त बनी थी, मतलब ये वहाँ पर बीच बीच में जाती थी, तो वहाँ पर उसकी एक एमेलिया नाम की एक दोस्त रहती थी। और ये जब अपने मौसी के घर पे गई तब थोड़ी देर के लिए उसके मौसी घर से बाहर गई थी और ये वहाँ पर अकेली बैठी थी घर पे। तो उसने सोचा कि मैं एमिलिया को पूछती हूँ कि वो घर पे है क्या, तो मैं उससे मिलने के लिए जाती हूँ। तो इसके पास उसका डायरेक्टली नंबर भी नहीं था, तो इसके घर में दोस्तों जो टेलीफोन की डायरेक्टरी होती है उससे उसने एमिलिया का जो घर का नंबर था उस पर फ़ोन किया। और उसके फ़ोन में जब उसने किया तब एमिलिया की जो दादी थी उसने फ़ोन उठाया और क्रिस्टल ने दोस्तों बाद में उनसे पूछा कि एमिलिया घर पे है क्या, तो उसकी दादी ने ये कहा कि नहीं, वो फ़िलहाल घर पे नहीं है स्वीटी, इस तरीके से उसने कहा। और बाद में उसकी दादी ने दोस्तों फ़ोन रख दिया। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी क्रिस्टल के लिए, तो उसने हाँ ठीक है जैसे मतलब नॉर्मल सी बात ही है ये। लेकिन बाद में जब इसकी मौसी आ गई क्रिस्टल की घर पे, तब इसने ऐसे ही बातों बातों में कह दिया कि मैं क्रिस्टल को बुलाने वाली थी लेकिन उसकी जो दादी थी वो उसने फ़ोन उठाया और उसने कहा कि वो घर पे नहीं है। ये बात सुनकर क्रिस्टल की जो मौसी थी वो पूरी तरीके से चौंक गई। उसने ये कहा कि कुछ दिन पहले ही क्रिस्टल की जो दादी थी वो इस दुनिया से चली गई। तब इसने कहा कि नहीं, शायद फ़ोन किसी और ने उठाया होगा। तब उसने ये कहा कि उसकी जो फैमिली है वो पूरी मतलब फैमिली किसी और रिलेटिव को मिलने के लिए गए थे और इस वजह से उसके घर पे फ़िलहाल कोई भी नहीं है। ये जो बात थी दोस्तों दोनों को एकदम हैरत में डाल दिया इस बात ने। और उसके बाद वो जब उसके घर पे भी गए तब उसके घर में ताला लगा था, उसके घर में कोई भी नहीं था। और बाद में इन लोगों ने फिर से वहाँ पे फ़ोन किया तो वहाँ पर अभी फ़ोन कोई भी उठा नहीं रहा था, मतलब सिर्फ रिंग हो रही थी, मतलब उनके घर में कोई भी असल में नहीं था। लेकिन क्रिस्टल को पूरी तरीके से श्योर थी कि उसने उसी को फ़ोन लगाया था और उसकी दादी ने ही बात की थी। तो ये जो घटना थी दोस्तों वो क्रिस्टल के साथ कुछ इस तरीके से हुई थी। ऐसे जो वाकया होते हैं पूरी तरीके से हमें मतलब सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि हमने जो भी सुना था या फिर जो देखा था वो सच था क्या। लेकिन ऐसे घटनाएं एक से के साथ हुई तो ठीक है, लेकिन बहुत लोग ऐसे मतलब बातें कहते हैं। और इनमें से ऐसे भी लोग मतलब ज़्यादातर ये जो फॉरेन के जो लोग होते हैं वो इस तरीके से मतलब पुनर्जन्म या फिर सोल को इतना मानते ही है, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से मतलब उनको यही लगता है कि ये सब झूठ होगा, लेकिन ऐसे जब चीज़ें उनके सामने आ जाती है तब वो एकदम हैरत में पड़ जाते हैं। जैसे हमें भी कभी कभी लगता है कि ये झूठ होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हुए तो हम समझ सकते हैं कि मतलब हो सकता है कि ये हो सकता है। क्योंकि मतलब जो सोल है दोस्तों वो एनर्जी के साथ किसी के साथ कनेक्ट हो सकती है और उसकी ये कोशिश हो सकती है। हम इस कहानी से ये कह सकते हैं कि जो इंसान इस दुनिया से चले जाते हैं वो हमेशा के लिए नहीं जाते। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है। मुझे लगता है कि माय लाइफ आफ्टर डेथ ऐसे नाम की किताब है, उसमें एक लड़के ने जिसने खुद सुसाइड किया था, तो उसने भी कहा था कि इस दुनिया से मतलब जब वो इस दुनिया उसका प्राण जब चले गए थे, उसने आत्महत्या की थी और उसके जब प्राण चले गए थे तो वो तुरंत आत्मलोक में नहीं गया था। वो ये कह रहा था कि मैं कुछ देर मतलब यहाँ पे रुकना चाहता हूँ अपने घर पे। और उसने ये भी कहा था कि मैं अपने कुछ मतलब कुछ वक्त उसने अपने दोस्त के यहाँ पे उसकी आत्मा ने गुजारा था, कुछ उसके मतलब रिलेटिव के यहाँ पे गुजारा था जो उसके लोग अपने थे। तो दोस्तों ये हो सकता है कि एमिलिया के दादी ने भी मतलब वो कुछ वक्त वो उस घर में रहना चाह रही हो उसकी सोल, और उसके बाद वो आत्मलोक में चली गई हो। तो ये जो कहानी है वो हमें यही सिखाती है कि जो हमारे करीबी लोग हैं या फिर जो मतलब इस दुनिया से गुजरे हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारे साथी होते हैं। हमेशा ही उनकी आत्मा हमारे साथ होती है ऐसा नहीं होता, कुछ वक्त के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमसे कनेक्ट होते हैं। बहुत सारी आत्माएं आत्मलोक में रह के भी मतलब हमारे साथ कनेक्ट हो सकती है, वो हमारे करीबी हो सकती है। तो इस तरीके से हमारे जो अपने हैं दोस्तों हमेशा हमारे साथ है, उनका लिए जो हमारे लिए प्यार होगा या फिर हमारा उनके लिए जो प्यार होगा दोस्तों वो हमेशा अमर है। दोस्तों जो सच्चा प्यार है वो कभी भी नहीं मरता। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।